सर मऊ जैसे जिले से एक छोटे से गांव से आपने बहन जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया, क्या कहना चाहते हैं? मानी बहन जी ने जो सम्मान दिया है ये पिछड़े समाज के बेटे को सम्मान दिया है, और जिन्होंने परखा, जिन्होंने आज इस समाज को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाके सम्मान दिया। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी बनी 14 अप्रैल 1984 को, तब से इस समाज के बेटे को विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, प्रदेश अध्यक्ष 2 बार बनाया। मानी बहन जी ने हारे हुए लोगों को इस समाज को सम्मान दिया, MLC बना के दिया सम्मान, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया। तो इस छोटे से मेरा योगदान, हम बाबा साहब मान्य कांसी राम के सिपाही, मानी बहन जी के भाई, बहुजन समाज महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं उनके नेतृत्व में। सर आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, इस गढ़ को कैसे आप तोड़ेंगे? आप इसको यूं कहिए कि अभी समाजवादी गढ़ कह रहे हैं आप, लेकिन इससे पहले हम लोग सबसे पहले इनके गढ़ से पहले भी एडवोकेट रामकृष्ण यादव जी को यहाँ से जिताए, और ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, यहाँ नीला झंडा फहरा है, ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़। अच्छा, अम्बेडकर जी यहाँ से 3-3 बार सांसद हम लोगों ने बनाए, माने रमाकांत यादव जी हैं, जनाब अकबर अहमद डम्पी जी हैं, और यहाँ से उम्मीदवार बनाए पिछले 2-3 बार से। अच्छा सर, ये चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? काफ़ी दिनों बाद पत्ता खुला है बसपा का। तैयारी हम लोग ये 5 साल लगातार चलती, हमारे संगठन बूथ सेक्टर गांव तक पूरी तैयारी चलती है, और जो स्ट्रेटेजिक बनती है वो आपकी रणनीति सामने आ जाएगी, जिसमें एक हिस्सा मैं राजपुर समाज का हूँ, यहाँ मुझे टिकट मिला। किस तरह से तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी बता के की जाती है, तैयारी रणनीति है, राजनीति है, साम दाम दंड भेद लगा के हमको रिजल्ट लाना है, और इन कार्यकर्ताओं की बदौलत, बहुजन समाज पार्टी का रीढ़ कार्यकर्ता है, हमारा बूथ सेक्टर का कार्यकर्ता, हमारे समस्त सम्मानित जिन्होंने अपने जीवन के 40 साल लगाए हैं इन मिशन मूवमेंट में, महापुरुषों के विचारों में, आदरणीय सांसद साहब हैं, माननीय अर्जुन गौतम साहब हैं, उधर हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, इधर माननीय सुनील जी हैं, गुप्ता जी हैं, यहाँ सर्वजन हिता सर्वजन सुखा संपूर्ण भाईचारा के संग तैयारी। क्या कारण है कि यहाँ से अभी पूरे बसपा प्रत्याशी थे सदर से और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? अभी उनके व्यक्तिगत विचार हैं, बहुजन समाज पार्टी तो हर समय भलाई का कार्य करती, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है, बहुजन समाज पार्टी की देन है कि सपने में भी कभी सत्ता के बारे में नहीं सोचने वाले, आज उस गरीब समुदाय के लोग माननीय कांसी राम साहब ने सोई हुई कौम को जगा दिया, और आज हम जैसे लोग आज प्रतिष्ठा पर आजमगढ़ से लड़ाई लड़ रही है, माननीय बहन जी की देन है, बहुजन समाज पार्टी की देन है। सर क्या वजह रही कि आपको यहाँ आजमगढ़ से चुनाव लड़ना पड़ा? माननीय बहन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, मैं कार्यकर्ता हूँ, जहाँ बहन जी का आदेश होगा वहाँ मैं चट्टान की तरह डट के लड़ूंगा। पिछले दो बार मैं मऊ सदर से लड़ा, इस बार भी यहाँ आजमगढ़ से मैं कार्यकर्ताओं की ताकत की बदौलत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और फिर से इस आजमगढ़ को बहुजन समाज पार्टी का गढ़ बनाएंगे।